सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो मेरा नाम है विशाल नाथ और आप देख रहे हैं यूआर वीएडिक्स चैनल। सो फ्रेंड्स, प्रीव्यू में जैसा 3D ट्रैकिंग टेक्स्ट रील्स देखा है, सो ये वाला 3D ट्रैकिंग रील्स मैं आपको मोबाइल से बहुत आसान तरीका में एडिट करना सिखाने वाला हूँ। सो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक वॉच करना है, देन उसके बाद अपनी मोबाइल को रोटेट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो अपनी मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पर हमारे पास है पिक्सल लैब मोशन निंजा ऐप। तो ये दोनों ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर आपको पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको ऐप के ऊपर टैप कर देना है और एडिट के ऊपर टैप कर देना है। तो करने के बाद यहाँ पर न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देना है और यहाँ से आपको जो भी टेक्स्ट आपको 3D में आप अपनी वीडियो में ऐड करना चाहते हो उसी टेक्स्ट को यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं अपना चैनल का नाम टाइप कर देता हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपना चैनल का नाम टाइप कर लिया, तो ओके पे क्लिक कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट से स्क्रॉल करके यहाँ से आपको फ्रंट चूज कर लेना है। तो यहाँ से आपको एबी के ऊपर टैप करना है और यहाँ से मैं अपनी माय फॉन्ट से कोई भी एक फॉन्ट ऐड कर लेता हूँ, पॉपिंस ब्लैक को यूज़ कर लेता हूँ, देन ओके कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट से स्क्रॉल करना है। करने के बाद यहाँ पर आपको 3D टेक्स्ट के ऊपर टैप कर देना है। करने के बाद इसको एनेबल कर देना है। करने के बाद यहाँ पर आपको इसका जो शेडो है उसको आपको 0.5 पे रख देना है। देन उसके बाद यहाँ पर टिक कर देना है। राइट से स्क्रॉल करके यहाँ से टेक्स्ट को हम बड़ा कर देते हैं कुछ इस तरह से। सो यहाँ से जितना आपका 160 पे रख देते हैं, देन उसके बाद यहाँ पर टिक कर देते हैं। तो लेफ्ट से स्क्रॉल करके यहाँ पर 3D शेडो के ऊपर टैप कर देना है। करने के बाद एनेबल कर देना है इसको। करने के बाद यहाँ से आपको ब्लर रेडियस को हम क्या करेंगे, इसको हम 10 पे रख देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर ओपेसिटी को हम कम कर लेते हैं ताकि रियलिस्टिक लगना चाहिए, तो 25 पे रख देते हैं। सो इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक्सपेंडेड बाई, तो इसको हम 20 पे रख देते हैं और यहाँ पर टिक कर देना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर लेयर के ऊपर टैप कर देना है और यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट कर देना है। सो उसके बाद यहाँ पर आपको सेव के ऊपर टैप करना है, सेव एज इमेज के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के ऊपर टैप करके यहाँ से अल्ट्रा पे टैप करके इसको सेव टू गैलरी कर देना है। सो उसके बाद यहाँ पर आपको बैग आ जाना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको मोशन निंजा ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर टैप कर देना है, क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर टैप कर देना है। करने के बाद यहाँ से आपको वीडियो ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैं प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करके यहाँ से ये वाला वीडियो को मैं ऐड कर लेता हूँ जो कि मैंने डाउनलोड करके रखा है। अगर आपको भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम से डाउनलोड करना है। ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो वीडियो है आ चुका है। यहाँ पर आपको मिक्सर के ऊपर टैप कर देना है। करने के बाद टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ, ऐड के ऊपर टैप कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारा जो टेक्स्ट है आ चुका है। सो देख सकते हो, तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। सो उसके बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट का जो लेंथ है वो आप अपनी वीडियो के हिसाब से बढ़ा लेना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, वीडियो के हिसाब से यहाँ से थोड़ा सा बैक होके इसको हम लेंथ को हमारा वीडियो के हिसाब से बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर आपको मिक्सर के ऊपर टैप करके यहाँ से वही वीडियो लेना है जो वीडियो पहले लिया था, उसी वीडियो को ऐड कर लेना है। देन यहाँ पर ऐड करना है, उसके बाद फुल स्क्रीन कर देना है। यहाँ पर लेफ्ट से स्क्रॉल करके यहाँ से आपको ब्लेंडिंग के ऊपर टैप करके, सो यहाँ से मैं ये वाले इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है। सो उसके बाद यहाँ पर आपको अभी जो वीडियो आपने ऐड किया था लेयर पर उसी वीडियो के ऊपर टैप करना है। करने के बाद यहाँ पर एडिट के ऊपर टैप करना है और यहाँ से आपको ट्रैकिंग के ऊपर टैप कर देना है। कुछ इस तरह से इसको हम ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर ऐड ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर टैप करना है। ऐड करने के बाद यहाँ से आप अपनी जो टेक्स्ट है उसको आप मूव करवा सकते हो 3D में। तो यहाँ से एक्स में आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐसे आपको देखने को मिलेगा जो कि आप अपनी इसको कुछ इस तरह से आप रखना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ से मैं ये ऐसे नहीं करूँगा। तो वाई पे आपको क्या करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम मूव करके यहाँ से इसको हम जेड को थोड़ा सा कुछ इस तरह से अपने हिसाब से इसको ऐसे रख सकते हो। देन नीचे आपको पोजीशन में जाके यहाँ से एक्स के ऊपर टैप करके यहाँ से जहाँ आप रखना चाहते हो उसको
मूव करवा सकते हो। सो यहाँ से मैं इधर तक रख लेता हूँ, देन वाई के ऊपर टैप करके यहाँ पर रखना चाहते हो, जेड पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने हिसाब से इसको छोटा या जूम कर सकते हो। रोटेशन के ऊपर फिर से आपको क्लिक, जेड को कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है, वाई को कुछ इस तरह से, तो अपने हिसाब से कर लेना है। तो इसको हम थोड़ा सा साइज़ को बड़ा कर देते हैं। सो एक्स को हम कुछ इस तरह से इसको, देन वाई को पोजीशन ऐसे कर लेते हैं। सो यहाँ से वाई के ऊपर टैप करके इसको हम इधर तक रखना चाहते हैं, तो यहाँ एक्स को ऐसे करके वाई के ऊपर पोजीशन करके यहाँ से नीचे की तरफ रख सकते हो। सो यहाँ पर जैसे कर रहे हो कुछ इस तरह से आपको कर लेना है। सो यहाँ पर लास्ट में है तो हम इसको बड़ा कर देते हैं ताकि हमारा जो फर्स्ट में और छोटा होके आ जाएगा, और इसको हम कुछ इस तरह से नीचे की तरफ ऐसे घुमा देते हैं। जेड को हम कुछ इस तरह से रख देते हैं, और यहाँ से एक्स को हम कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेते हैं, वाई को यहाँ से नीचे की तरफ रख लेते हैं, और यहाँ से आपको जेड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से बड़ा कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है, टिक करने के बाद फिर से आपको टिक के ऊपर टैप कर देना है। तो यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ और यहाँ से मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। सो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। सो देख सकते हो तो 3D में आपको टेक्स्ट को देखने को मिलेगा। एडिट करने के बाद यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट के ऊपर टैप कर देना है। यहाँ पर आपको इसका जो रेजोल्यूशन है आपको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से मैं 1080 पे रख देता हूँ, और फ्रेम रेट को हम 60 FPS, और यहाँ पर MBPS को नॉर्मली रख देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर टैप कर देते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो वीडियो है एक्सपोर्ट हो रहा है। सो कुछ इस तरह से आप अपनी वीडियो में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो 3D लुक में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।